राजस्थान में इस साल का मानसून कुछ अलग ही तेवर दिखा रहा है। राजधानी जयपुर समेत पूरे राज्य में बारिश का ऐसा प्रकोप हुआ है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में जयपुर में रिकॉर्ड 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। केवल जयपुर ही नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जल भराव की वजह से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सोमवार 12 अगस्त को जयपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए थे और अब लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मंगलवार 13 अगस्त को भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा जैसे जिलों में यह कदम उठाया गया है, लेकिन इस बारिश का खौफनाक पहलू भी सामने आया है। बीते 48 घंटों में बारिश से हुई दुर्घटनाओं में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। करौली और हिंडौन में भारी बारिश ने जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है, जबकि भरतपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और जोधपुर जैसे जिलों में भी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई है और यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कई इलाकों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ और भारी बारिश के इस दौर में राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे घरों में सुरक्षित रहें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात के दौरान मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें, क्योंकि इससे बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है। राजस्थान में मानसून का यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया। हर गुजरते दिन के साथ हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।